ड्यूटी पर आए बस परिचालक की अचानक मौत। अचानक सीने में दर्द होने पर जमीन पर गिरा। औरैया से दिल्ली जा रही थी औरैया डिपो की रोडवेज बस। ड्यूटी पर आए रोडवेज परिचालक की औरैया बस स्टॉप पर। रविवार की दोपहर रोडवेज बस परिचालक संविदाकर्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके सीने में भयंकर दर्द होने लगा, जिस पर स्टाफ के लोगों ने उसे दवा के लिए जिला अस्पताल ले जाना चाहा। तभी अचानक खड़े से गिर पड़ा। बस के चालक के और परिचालक द्वारा उसे बस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के रामपुरा उमरैन निवासी प्रदीप कुमार 36 वर्ष पुत्र राम नरेश औरैया डिपो में संविदा पर परिचालक के पद पर काम करता था। रविवार को सुबह अपने घर से औरैया डिपो पहुंचा, जहां साथी डिपो परिसर में कर्मचारियों से आपस में बातचीत कर रहा था। तभी अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगी। देख साथी कर्मचारियों ने उससे दवा लेने को कहा। इससे पहले वह कुछ सोच पाता, अचानक से प्रदीप बेहोश होकर वहीं परिसर में गिर गया। यह देख वहां मौजूद कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। आनन-फानन में साथी कर्मचारियों ने प्रदीप को बेहोशी की हालत में 50 शैया युक्त जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो चीफ बिमल पांडे की रिपोर्ट।